नाबालिग छात्र से कुकर्म की वारदात, आरोपी को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। यूपी के रामपुर में इंसान की शक्ल में हैवान ने कक्षा 5 के छात्र को अपनी हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया। बच्चे की चीख पुकार सुनने पर ग्रामीणों ने बच्चे को इंसानी हैवान के चंगल से छुड़ाकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। हैवान आरोपी को जेल भेज दिया गया है। वहीं नाबालिग छात्र से कुकर्म के प्रयास की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बोले पैसे हैं तेरे पास, मन कहेंगे बोले कितने, मैं तो 20 रुपये दे गए पापा, तो बोले और पैसे लेगा, मैं कह ना, तो ये कह इन्होंने मेरे संग बदतमीजी करी थी। अच्छा। इन्होंने मरवाई तो ये चले गए, तो मैं लेट गया, फिर तो ये आ रहे थे तो मैं डॉक्टर चला गया, फिर ये चले गए, फिर तीसरी बार आ रहे थे ये तो मैं इनके पास गया, फिर इनसे किया मैंने। किससे कहा? ये बताओ कल क्या हादसा हुआ? सर हादसा ये हुआ कि आपने हमारा लड़का आ गया था, कहने लगा कि नमाज पढ़ने पापा तुम आ जाना, मैं तेराली पे बैठ रहा हूँ। हम लड़के को लिए थे, लड़का एक मुस्तफ़ा के सपोर्ट में छोड़िया है, उसने मुस्तफ़ा ने उस लड़के के साथ में गलत काम करने के लिए गंदी हरकतें करी, पब्लिक के हाथ वो आ गया था, पब्लिक ने मारा भी, मारा काफ़ी मारा, पुलिस भी आ गई, पुलिस के उसके सपोर्टी में पुलिस को दे दिया उसने, पुलिस ने कार्रवाई कर दी, जेल भेज दिया। तो कार्रवाई डर बहुत बैठ गया था, उसे डराया बहुत था, तुझे मार देंगे, तुझे मार दूंगा जान से, अगर पापा तो कही गए हैं मुझसे कि इसके साथ ये ऐसी पक्का पड़ेगा। थाना चौकी दड़ियाल क्षेत्र के त्रिवेणी शुगर मिल की है, जहाँ शेखपुरा निवासी किसान अपने 12 वर्षीय नाबालिग छात्र मोहम्मद समी को साथ लेकर मिल में गन्ना पहुंचाने गए थे। किसान अपने गांव के ही आरोपी मुस्तफ़ा की निगरानी में बच्चे को छोड़कर नमाज पढ़ने चला गया। आरोप है कि आरोपी मुस्तफ़ा ने बच्चे को बुरी नीयत से दबोच लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लग गया, बच्चे के साथ कुकर्म भी करने लग गया, जिससे बच्चे की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और आरोपी को कब्जे से बच्चे को बचाकर उसकी जमकर पिटाई कर डाली। वहीं वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस भी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई और कुकर्म करने के प्रयास में पुलिस ने पीड़ित बच्चे के बयान दर्ज कर उसके पिता की तहरीर पर मुस्तफ़ा नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बहरहाल बच्चे के साथ इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और लोगों की जुबान पर वारदात की चर्चाएं बनी हुई हैं। आइए, थाना टांडा के अंतर्गत दड़ियाल कस्बे में शुगर मिल के पास ये घटना हुई है और ये करीब 11-12 वर्ष का बच्चा है और जिसके साथ अननेचुरल सेक्सुअल असॉल्ट का कोशिश किया गया है, जिस संबंध में थाने पर मुकदमा दर्ज करके और जो अभियुक्त नामजद था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है।